हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनोज फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ये बॉक्स प्लेट लहंगा बनाया है। और दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे जो ये घेर है, घेर के अंदर मैंने इसमें 5 इंच कैनवास लगाई है और घेर में इस तरीके से मैंने क्लाउड शेप बनाया। और इसमें यहाँ पर मैंने ये साइड में जिप भी लगाई है एक, और नेफे की चौड़ाई मैंने इसमें 3.5 इंच रखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ये लहंगा किस तरीके से बनता है। दोस्तों, ये लहंगा बनाने के लिए अपने पास ये 5 मीटर कपड़ा है, और इसके बाद में अपने पास ये 2.5 मीटर ये अस्तर है। इस लहंगे की कटिंग इस तरीके से करनी है। बनने के बाद इसमें हल्की हल्की लाइनिंग दिख रही है कपड़े में, तो लाइनिंग हमें इस तरीके से खड़ी रखनी है। इस लहंगे में ये घेर इससे भी ज़्यादा रखना है, तो इसके लिए हम इसमें एक जोड़ भी लगाएंगे। तो उसके लिए पहले इस कपड़े को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में मैं इसकी लंबाई बता देता हूँ आपको। लेंथ है इसकी 40 और कमर है इसकी 36। तो इस कपड़े को हम लंबाई के हिसाब से कट कर लेंगे। और दोस्तों, इस लहंगे में हमें 3.5 इंच ऊपर नेफा बढ़ता हुआ रखना है, तो उस हिसाब से हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको 3 इंच ऊपर निकाल रहे हैं, और लेंथ है इसकी 40, तो यहाँ से हम 41 पे हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड कर लिया, और इसी तरह हम इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में जो ये बराबर जमा हुआ है, इसको इस जगह से बिल्कुल पास पास में से कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद में ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी कट कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने बीच बीच में से कट करके 3 टुकड़े बराबर के कट कर लिए हैं। और अब तीनों टुकड़ों को हमें यहाँ पे आगे से आगे जोड़ लगा के और इस कपड़े को लंबा कर लेना है। ये जोड़ हम इसलिए लगा रहे हैं इसमें क्योंकि हमें घेर ज़्यादा चाहिए, वरना अगर हमें घेर ज़्यादा नहीं चाहिए होता तो इसमें केवल ये फ्रंट हो जाता और ये बैक हो जाता। ये एक हिस्से की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम हिस्सा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें घेर ज़्यादा बढ़ाना है। तो अब हम इसमें जोड़ लगा लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको इसमें बॉक्स प्लेट किस तरीके से भरनी है। तो दोस्तों, मैंने इसमें ये जोड़ भी लगा लिया अब, और जोड़ लगा के मैंने इसको इस तरीके से चिरवा कर दिया है दोनों तरफ में, ताकि ये अपना बाहर की तरफ जोड़ दिखे नहीं लगा हुआ। तो पहले इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं बराबर करके, और एक फोल्डिंग और लगा लेते हैं इसकी इस तरीके से। अब इसके बाद में हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा बराबर कट कर लेंगे। अब इसको लंबाई के हिसाब से बिल्कुल सीधा बराबर कट कर लेंगे। इसकी लंबाई है 40 इंच, और यहाँ पे नेफा हमें ऊपर लगाना है 3.5 इंच ऊपर, तो यहाँ से हम 3 इंच बाहर निकाल के रखेंगे, और यहाँ से नीचे से हम इसको कट करेंगे 40.5 इंच पे, आधा इंच नीचे मार्जिन भी रखेंगे हम। आधा इंच नीचे मार्जिन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपने जो क्लाउड शेप होएगा उसके बाद में यहाँ पे कैनवास लगेगी, तो आधा इंच कैनवास के अंदर दब जाएगा। इसको सीधा बराबर कट कर लेते हैं अब जो निशान लगाया हमने। अब यहाँ से हमने ये कपड़ा बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें ये जो बॉक्स प्लेट बनानी है उसके निशान लगाने हैं। तो हम सबसे पहले इसका घेर नाप लेते हैं कि ये घेर कितना रेडी है अपने पास। घेर अपने पास लगभग 130 इंच रेडी है आगे और पीछे का मिला के, और कमर अपनी इसमें है 36 तैयार। तो अब हम इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से हम जो सिलाई लगाएंगे उतना हिस्सा छोड़ देंगे। ये हमने इसको बिल्कुल बराबर मिला लिया है। अब हमें ये टोटल जो 130 इंच है घेर, इसमें हमें भाग देना है 14 का, इसमें 14 का भाग देंगे, और जो अपने पास कमर है 36 इंच, इसमें भी हम 14 का भाग देंगे, 14 का भाग देंगे। ये 14 का भाग हम इसमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो इसमें ये बॉक्स बनेगी, ये बॉक्स अपनी टोटल 14 बनेगी। 7 बॉक्स अपनी आगे की साइड रहेगी और 7 बॉक्स अपनी पीछे की साइड में रहेगी, तो इसलिए हम इसमें 14 इंच का भाग दे रहे हैं। तो 36 में 14 का भाग देने पर अपना आएगा 2.5, तो यहाँ पे 2.5,
ये 2.5 अपने बॉक्स रहेगी, 2.5 इंच चौड़ी अपनी बॉक्स रहेगी, यहाँ है 130 इंच, इसमें देंगे हम 14 इंच का भाग, तो यहाँ पे अपने आएगा 9.2। तो ये 9.2 जो 2 आ रहा है, इसमें हम यहाँ से हर 9 इंच के गेप पे हम बॉक्स बनाएंगे और उसका सेंटर बना रहेगा वहाँ पे। तो जैसे हम इस जगह रखते हैं इस इंची टेप को इस तरीके से, ये बिल्कुल बराबर फोल्ड होया हुआ है। अब एक सेंटर तो इसका ये बना, यहाँ पे एक बॉक्स का सेंटर रहेगा। अब एक देंगे हम इस जगह 9 इंच पे ये निशान, ये जो 9.2 आया है उसको हम 9 मान के चलते हैं, ये 9 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, इसी तरीके से 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इसी तरीके से एक 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ से हम ये 2.5 इंच पे रखेंगे इस निशान को, और यहाँ से एक निशान इधर लगाएंगे और 2.5 इधर, तो ये 5 इंच पे, इधर से भी 2.5 इंच और इधर से भी 2.5 इंच, ये टोटल 5 इंच चौड़ा रहेगा यहाँ से, और ये सेंटर बन के और यहाँ पे एक बॉक्स की सिलाई लगेगी। ये हुआ, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ये 2.5 इंच पे निशान रखना है, और यहाँ से ये निशान लगाना है। इसी तरीके से आगे जो हमने निशान लगा रखे हैं उन पे भी लगा लेंगे निशान। और अब यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे दो तरफ निशान नहीं लगाना, यहाँ से केवल इस जगह रखना है और ये 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमने जो ये निशान लगा रखे हैं वहाँ पे कट लगा लेते हैं, यहाँ पे इन निशान पे कट लगा लेते हैं, और ये 20 सेंटर है इनका। यहाँ पे जो जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच की ये सिलाई लगाएंगे, ये यहाँ से 1.5 इंच तक ये सिलाई लगाएंगे। अब ये बॉक्स में बता देता हूँ आपको इसमें किस तरीके से सिलाई लगेगी। ये जो हमने निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे ये 1.5 इंच की सिलाई लगेगी इतनी सी, और ये यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी, ये इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी। अब दोस्तों बॉक्स प्लेट लेंगे की कटिंग तो हो गई है, अब इसके अंदर जो अस्तर लगेगा उस अस्तर की भी कटिंग करनी है हमें, तो वो अस्तर कट कर लेते हैं। इस तरीके से डबल फोल्ड होया हुआ है अस्तर, यहाँ से इसको सीधा कट नहीं करेंगे, इस तरीके से गोला ही रखेंगे, यहाँ से 40.5 इंच पर रखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे स्केल को 3 इंच पे रखेंगे इस जगह। ये 3 इंच पे हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जो लहंगा भी कट करा है हमने यहाँ से 3 इंच छोटा ही कट करा है, 3.5 इंच का ऊपर नेफा अलग से लगेगा इसलिए। अब इसके बाद में 36 इंच यहाँ पे हमने कमर रखी थी, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा होएगा 9 इंच, ये 9 इंच। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे ल्यूजिंग देनी है 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच की ल्यूजिंग दे दी हमने, और अब इसके बाद में इंची टेप को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तिरछा, और ये निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाया हमने इस निशान पे कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे 20 सेंटर वाले कट लगा लेंगे, और ये जो यहाँ से कपड़ा निकला है ऊपर से इस कपड़े को यहाँ पे बिछा लेंगे, और यहाँ से ये जोड़ भी निकाल लेंगे, यहाँ से तिरछा ही कट करेंगे कपड़े को। ये तिरछा हम इसीलिए कट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला हिस्सा तिरछा है, तो वॉश होने के बाद में ये गिरने लग जाएगा तिरछे वाला हिस्सा। अस्तर भी कट कर लिया हमने, अब इसके बाद में हम इसमें जो ऊपर कमर पे नेफा लगेगा वो नेफा कट कर लेते हैं मेन मटेरियल से। इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और एक फोल्डिंग और कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से 8 इंच का निशान लगाएंगे इस जगह, और इस जगह से भी लगाएंगे 8 इंच पे ये निशान, और यहाँ पे दोनों निशान को मिला के और यहाँ से कपड़े को बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमने 8 इंच चौड़ा इसलिए कट करा है क्योंकि जब हम इसका नेफा बनाएंगे तो इसको डबल फोल्ड करके बनाएंगे, और ये डबल फोल्ड होने पर 4 इंच बचेगा और 1/2 इंच अपना इसमें मार्जिन में दब जाएगा, उसके बाद में ये 3.5 इंच नेफा रेडी बचेगा।
36 इंच अपनी कमर थी इसमें, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 18 इंच में निशान, और यहाँ से हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, जो अपना फोल्डिंग के लिए रखेंगे कपड़ा 1.5 इंच दोनों तरफ। इसको बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं। अब जो ये नेफा कट करा हमने, नेफे के अंदर भी अस्तर लगाना है, तो नेफे के अंदर जो अस्तर लगेगा वो भी कट कर लेते हैं इसके साथ में ही। इसका अस्तर भी कट कर लिया हमने बिल्कुल बराबर करके। अब लहंगे की कटिंग तो अपनी कंप्लीट है, लेकिन जो हमें यहाँ पे घेर में क्लाउड शेप देना है यहाँ पे नीचे, तो वो क्लाउड शेप भी कट कर लेते हैं। वो क्लाउड शेप हम इस लहंगे पे डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, वो कट हम कैनवास पे करेंगे। तो उसके लिए हमें 5 इंच चौड़ी कैनवास कट करनी है, तो इस कपड़े को तो हम पहले साइड में रखते हैं और पहले लेते हैं हम कैनवास। ये कैनवास ले ली है हमने, तो यहाँ से 5 इंच कट कर लेते हैं कैनवास को। अब यहाँ पे हमने ये 5 इंच चौड़ी कैनवास कट कर ली है, और इसके बाद में हमने यहाँ पे बीच में एक जोड़ भी लगा लिया है। अब इस घेर में हम इस कैनवास को बराबर नाप लेते हैं, क्योंकि ये कैनवास अपने इस जगह घेर में इस तरीके से लगेगी बिल्कुल बराबरी में। अब ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही है कैनवास, ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे कैनवास को, और यहाँ पे हम एक बार एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये यहाँ से इधर उधर नहीं होए कैनवास, क्योंकि हम यहाँ पे कटिंग भी करेंगे इसमें। अब हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करके और यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई लगा ली है, और यहाँ से हमने जो उसमें सिलाई लगाने के लिए छोड़ा था कपड़ा, उसी तरीके से हमने ये कैनवास भी यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ दी है, ये यहाँ यहाँ तक फोल्ड करी है हमने। इसके बाद में हम इस तरीके से बर्तन ले लेंगे, इसकी जगह हम कटोरी या प्लेट भी ले सकते हैं छोटी, और यहाँ से हम इस जगह से ऐसे ये निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, अब जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर कटिंग भी कर ली है हमने। ये अपने पास कपड़ा जो पड़ा है, इस कपड़े में से हमें 3 कपड़े कट करने हैं। इसमें चौड़ाई का अंदाज़ा लगा लेंगे इसको रख के, और अब इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा कट कर लेंगे कपड़े को, और इसी तरह के 3 टुकड़े निकालने हमें। एक तो ये हो गया, 2 टुकड़े और कट करने हैं। ये तीनों कपड़े हमने कट कर लिए हैं। अब दोस्तों अपनी लहंगे की कटिंग कंप्लीट है, अब हमें इसको मशीन पे स्टिच करते हैं। अब इधर दोस्तों ये मशीन पे लेके आ गया हूँ मैं लहंगे को, तो पहले हम जो हमने ये कट लगा रखे हैं उस जगह हम ये बॉक्स बना लेते हैं। तो इस किनार के पास में यहाँ पे एक कट है, फिर ये दूसरा कट है, और ये तीसरा कट है। तो यहाँ पे इस कट को इस तरीके से, ये बीच सेंटर वाला हिस्सा हो गया, और इसके बाद में ये जो 2 कट है इस जगह यहाँ पे 1.5 इंच तक ये सिलाई लगानी है सीधी। ये अपना यहाँ पे ये बॉक्स तैयार हो गया, और इसी तरीके से अपने आगे और हैं कट लगे हुए, ये कट से कट मिलाते जाएंगे और इसी तरीके से बॉक्स बनाते जाएंगे। अब इसके बाद में आगे यहाँ पे एक कट ये है, और उसके आगे ये कट है, और तीसरा कट ये है। ये पहले और तीसरे कट को यहाँ पे दोनों को मिला लेंगे, और ये बीच में जो कट रहेगा ये इसका बी सेंटर रहेगा, और जिस तरीके से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरीके से यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे। ये एक और बॉक्स बन गया अपना इसमें, और ये यहाँ पे भी बॉक्स बन गया। अब इसी तरह से हमने जो भी ये कट लगा रखे हैं उन कट को इस तरीके से मिला मिला के और यहाँ पे सिलाई लगा लगा के बॉक्स बनाना है। ये दोस्तों हमने जहाँ जहाँ पे कट लगाए थे वहाँ वहाँ पे सिलाई लगा के ये बॉक्स रेडी कर ली है। अब ये हमें यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे ये सिलाई लगा के इस तरीके से बॉक्स तैयार करना है, लेकिन ये बॉक्स हमें नेफा लगाते वक्त रेडी करना है, तो हम पहले इसका नेफा भी रेडी कर लेते हैं।
दोस्तों हमने ये नेफा काट के जो रखा था इसमें हम यहाँ पे ये अस्तर जोड़ लेंगे, और उसके बाद में इसको यहाँ पे अस्तर को चिपकाने के बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसको इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेंगे। तो इसको भी रेडी कर लेता हूँ मैं। यहाँ से हमने जो 1.5 इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए वो फोल्ड कर लेते हैं। इसकी कमर थी 36, तो हमें यहाँ से इसको 36 इंच ही लंबा रखना है नेफे को। ये इतना यहाँ से फोल्ड कर लेंगे हम इसको, इस तरह एक्स्ट्रा इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ फोल्डिंग कर ली है। अब इसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके और यहाँ पे एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको, और यहाँ पे एक साइड वाला कट लगाएंगे और इसमें फ्रंट और बैक का कट लगाएंगे। अब अपने पास ये जो अस्तर है, इस अस्तर में हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है, तो वो जोड़ भी लगा लेते हैं। ये यहाँ पे हमने इसमें जोड़ भी लगा लिए हैं। इसके बाद में हम इसको दोनों हिस्सों को खोलेंगे अस्तर वालों को, और अब हम इसको ये एक साइड में जोड़ लगा के इसको जोड़ लेंगे अस्तर को। ये यहाँ पे एक साइड में जोड़ लगा लेते हैं। ये जोड़ लगा लिया हमने। अब इसके बाद में जो हमने ये नेफा रेडी करा हुआ है, इस नेफे के ऊपर हम ये जो लहंगा है जिसमें हमने बॉक्स बनाई थी, ये लहंगा अब हम इस नेफे के ऊपर लगाएंगे। इस लहंगे को यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे हमें ये इतना इतना जो चेन लगा के और साइड में सिलाई लगानी है उतना उतना मार्जिन बाहर की तरफ रखना है। इसको यहाँ पे रखेंगे। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगाया है। इस कट से ये कट मिला के रखेंगे और इसको पूरा आगे की तरफ धकेल के रखेंगे, और जो यहाँ पे है ये इस तरीके से यहाँ पे सल बन जाएगा, एक प्लेट्स आएगी अंदर की साइड में। ये प्लेट्स अपनी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे घेर बहुत ज़्यादा रखा है, तो इसीलिए ये प्लेट्स आ रही है इसमें। इसी तरीके से हमने जो नीचे एक और बॉक्स बनाई है, सभी बॉक्स में ये जो कट है कट मिला मिला के यहाँ पे ये सिलाई लगानी है यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये 20 सेंटर वाला निशान आया है, 3 बॉक्स तो हमने यहाँ तक डाल दी है। अब जो चौथी बॉक्स आएगी वो यहाँ पे 20 सेंटर पे मिलके लगेगी, तो ये जो बॉक्स है बिल्कुल इस तरीके से बराबर बनी हुई है। अब ये जो कट है ये कट यहाँ से इस कट पे मिलेगा, और एक हल्का सा सल यहाँ पे आगे की तरफ आएगा और एक हल्का सा सल यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर आएगा। और यहाँ पे जो ये कपड़ा था यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सल डाल दिया, और इसके बाद में इसको यहाँ से धागे को पक्का करके निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे हमने इस तरीके से नेफा जोड़ लिया, इसको ऐसे कर लेंगे सीधा, इसको बाहर की तरफ से देखेंगे दोस्तों। इस तरीके से अपने ये बॉक्स प्लेट का लुक आ रहा है बाहर की तरफ। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने ये अस्तर तैयार कर रखा है, इस अस्तर को लेंगे और यहाँ पे इस अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमने ये लहंगे के अंदर नेफा लगा रखा है, इस नेफे को यहाँ से पकड़ के और इस जगह इस तरीके से रखेंगे। अस्तर हमने ऐसे रखा है इसमें कि जो जोड़ लगा हुआ है जोड़ अपना ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ से इसको अस्तर को नीचे रखेंगे, और यहाँ से अब जो हमने पहले जो सिलाई लगा रखी है इसके ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। और ये जो हमने यहाँ पे 20 सेंटर वाला कट लगा रखा है,
इन दोनों बीच सेंटर वाले कट को मिला के, और यहाँ पे एक इस तरीके से सलवट डालेंगे। ये सलवट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अस्तर के अंदर हमने यहाँ पे हिप से लूजिंग दी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक सल डालना है। यहाँ पे जो साइड वाला निशान लगा हुआ है, वो साइड वाले निशान से ये जो साइड में अस्तर का जो जोड़ है वो मिल जाएगा। अब जैसे हमने उधर के साइड में ऐसे ये 20 सेंटर मिला के प्लेट्स डाली थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 20 सेंटर मिला के और इस तरह से दोनों साइड में ये प्लेट्स डाल देंगे। अब ये यहाँ पे सिलाई लगा ली है हमने। अब इसके बाद में जो ये अस्तर है, इस अस्तर को यहाँ से खींच के और उधर की साइड में, पीछे की साइड में फोल्ड कर देंगे इसको। अब एक सिलाई हम यहाँ पे 1 फुट की लगा देंगे, जिससे जो ये अपना अंदर की साइड में मार्जिन है, नीचे की साइड बैठा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे 1 फुट की सिलाई भी लगा लेते हैं हम। अब ये अपना लहंगा यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब इसके बाद में हमने जो ये कैनवास कट करके रखी हुई है, इस कैनवास को इस कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। पहले हम इसमें ये जो 3 पट्टियाँ कट करी हुई है कपड़े की, इसको जोड़ लेंगे, और इसको जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ऊपर चिपका लेंगे। ये इन पट्टियों में मैंने ये जोड़ लगा के और इन पट्टियों को लंबी कर ली है। अब इसके बाद में जो हमने ये कैनवास कट करके रखी हुई है, ये कैनवास लगाएंगे इस कपड़े के ऊपर। ये कैनवास ले लेते हैं और इस कैनवास को यहाँ पे ये सिलाई इस तरीके से यहाँ पे गोल गोल सिलाई लगा के और 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बीच में लगा लेंगे। ये यहाँ पे दोस्तों मैंने हर एक गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा दी है। और अब इसको हमें इस तरीके से यहाँ से ये फोल्ड करना है, तो अब इसको हम फोल्ड भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कपड़ा था, इसको हमने सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। अब अपने पास जो ये लहंगा है, लहंगे का जो ये घेर है, ये यहाँ पे बॉक्स डली हुई है इसके अंदर, और ये जो यहाँ पे घेर है, इस घेर के अंदर हमें ये कैनवास लगानी है नीचे की साइड में। तो इसमें हमने इस लहंगे के ऊपर क्लाउड शेप नहीं दिया है, डायरेक्ट कैनवास के ऊपर क्लाउड शेप दिया है। तो अब यहाँ पे इस जगह इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई। ये सीधी सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये कैनवास उसमें पकड़ हो जाए। पकड़ होने के बाद में हम यहाँ पे इस जगह से, इस जगह पास पास में सिलाई लगा के और यहाँ से इस कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें बिल्कुल किनार किनार के ऊपर इसके अंदर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इस कैनवास के ऊपर इस मशीन को लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे इस जगह किनार पे सारी जगह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में जो ये अपना कपड़ा रखा हुआ है, इस कपड़े को गोलाई में कट कर लेंगे और यहाँ से अपना कोना बना हुआ है तो यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे घेर में ये कट लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो कपड़ा रखा हुआ था वो भी कट कर लिया मैंने, और यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे कट भी लगा लिया है, और ये जो कोने बने हुए हैं यहाँ पे भी कट लगा लिया। अब इसके बाद में जो ये अपनी कैनवास है, इस कैनवास को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे।
ये पूरे घेर में मैंने कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे लगानी है इस जगह किनार पे सिलाई, तो ये किनार पे सिलाई भी लगा लेते हैं हम। ये हमने यहाँ पे एक किनार की सिलाई लगानी थी, वो सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद में हम इस लहंगे को जहाँ से खुलना है दोनों साइड से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे इसको। यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाएंगे हम कच्ची। ये सिलाई हमें वापस खोलनी है क्योंकि यहाँ पे अपनी लगेगी जिप। ये लगभग हम 8 इंच की दूरी तक लगाएंगे कच्ची सिलाई और उसके बाद में हम यहाँ से धागे को पक्का करके 2 इंच यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाएंगे हम मजबूत लगाएंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम धागे को निकालेंगे और फिर उसके बाद में अस्तर को, यहाँ से अस्तर को पीछे कर लेंगे और इस अस्तर को पीछे कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमने यहाँ से ये सिलाई एंड करी थी उसी सिलाई के यहाँ पे ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके और ये जो साइडें खुली हैं इस साइड को सिल देंगे। अब इसके बाद में जो हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है उसके बाद में इस अस्तर को बाहर की तरफ खींचेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये साइड वाली सिलाई भी लगा ली है हमने। अब इसके बाद में ये नीचे जो घेर है अस्तर का, इस अस्तर वाले घेर को भी फोल्ड कर लेते हैं। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे। अब केवल हमें यहाँ साइड में एक जिप लगानी है, तो जिप लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में अपना ये लहंगा कंप्लीट है। ये यहाँ पे जो कच्ची सिलाई लगी थी वो खोल ली हमने। ये जिप लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक सिंगल फुट लगाना है, तो ये फुट चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ये चाइनीज़ जिप ली है और इस जिप को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ये जिप अपनी इस तरीके से उल्टी रखी हुई है। इस जिप को अंदर की साइड से खोलेंगे और यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे अपनी सिलाई स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से हम इसको सिलाई को हटा देंगे और इसी के बाद में इस लहंगे को इस तरीके से पलटेंगे और ये जो जिप का दूसरा वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख के इसमें भी सिलाई लगा देंगे। ये अंदर से रनर है, इस रनर को पीछे से पकड़ के और यहाँ से बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये अपनी जिप इसमें लग गई है यहाँ पे। ये जो जिप यहाँ से एक्स्ट्रा है इस जिप को यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे इस जिप को इस तरीके से करके यहाँ पे इसको अंदर की साइड सिल देंगे। जिप का ऊपर मुंह निकला हुआ है इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम इस मुंह को भी सिल देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। दोस्तों फाइनली मैंने ये लहंगा बना के कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों मैं इसी तरीके की नई नई डिज़ाइनें बनाता रहता हूँ और उसके वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें।